हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y53S में और सैमसंग गैलेक्सी M31 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो वीवो की है डिस्प्ले 6.58 इंच की और रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले और सैमसंग की डिस्प्ले 6.4 इंच की और रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले और डिस्प्ले क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की तो वीवो का है मेटे का G80 का और CPU 2.0 GHz ऑक्टेकोर का 12 नैनोमीटर्स का फिनफैट और सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो है एक्सिनोस का 9611 और CPU 2.3 GHz ऑक्टेकोर का 10 नैनोमीटर्स का फिनफैट और GPU G72 का। बात करते हैं बैक कैमरे की तो वीवो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा सिटी फॉर्मेशन का फिर टू का सैमसंग का है क्वाड में जो मेन कैमरा सिटी फॉर्मेशन का फिर 8 का फिर 5 का और वीवो का फ्रंट कैमरा है 16 का, सैमसंग का है 32 का और कैमरा की क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात करते हैं बैटरी की तो वीवो में है 5000 mAh की और सैमसंग में है 6000 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और वीवो में चार्जर है 18 वाट का, सैमसंग में है 15 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की, दोनों में फ्रंट में ग्लास है बैक में प्लास्टिक है और वीवो में आपको रैम मिलती है 8 GB की और आप 3 GB तक इसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। सैमसंग में है 6 GB की, वीवो की मेमोरी 128 GB की, सैमसंग में है 64 GB 128 GB की और वीवो में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, सैमसंग में एंड्रॉयड 10। बात करते हैं प्राइस की तो वीवो का है स्टार्टिंग 19,490 रुपये और सैमसंग का है स्टार्टिंग 15,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है वीवो से क्योंकि इसमें आपको बड़ी सी बैटरी मिलती है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, बेस्ट कैमरा मिलता है और कम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई भी फ़ोन ले सकते हो।